बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मीना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदीद। बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला की फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। तो बहनों और भाइयों, आज मैं बना रही हूँ पैकेट कचौरी एक नए स्टाइल में। तो ये जो मैदा है वो मैंने गून लिया था ऑयल डाल के, और अजवाइन और नमक। मैं इसकी ना बारीक सी रोटी बना लेती हूँ। बारीक सी रोटी बेल ली है, इस तरफ मैं थोड़ा सा पानी अप्लाई करूँगी, इस तरफ भी। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ से मैं इतनी, ये देखिए इस तरह दबा लूँगी, दूसरी तरफ से भी, और यहाँ भी थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ। इस तरफ से भी। अब मैं इसको पलट लूँगी। फीलिंग तैयार है हमारी, ये है चिकन की फीलिंग है। इसमें शिमला मिर्चें और मैंने डाल के गाजर और बंद गोभी इसको बनाया है। यहाँ भी मैं इसके चारों तरफ पानी लगा लूँगी। अच्छी तरह पानी लगा लिया है, और अब आपको समझ आ रही है। मैं ये दो कोने उठाए मैंने एक तरफ से, और इनको कुछ नहीं कर, ये इस तरफ से मैंने बंद कर दिया। अब मैं ये कोने इस तरफ से उठाऊंगी और ये इस तरफ से बंद कर दूँगी। अब ये कोने पकड़ लूँगी यहाँ से, ये इसको दबा लूँगी और इस तरफ से अच्छी तरह बंद कर। इस तरह के ये ना ऐसे ना फ्रिल सी बन जाए। ये हमारी पैकेट कचौरी रेडी है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, हमारी सारी कचौरियाँ रेडी हैं। हमारा ऑयल है, ये गर्म हो रहा है, अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, नीम गर्म है, तो हम नीम गर्म में ही कचौरियाँ जो है ऐड करेंगे। इसमें ऑयल देखें, बिल्कुल हल्के हल्के बबल से उठ रहे हैं। इसी तरह हल्की आँच पे ही बनाऊंगी मैं। काफ़ी टाइम हो गया है एक तरफ से रखते हुए, तो मैं ये चम्मच के साथ ही पलटने की कोशिश करें, पलट भी जा। ये देखें इतनी एहतियात से मैंने बंद किया, फिर भी ना ये थोड़ी थोड़ी खुल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारी कचौरियाँ रेडी हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें खुद ही ज़बरदस्त बनी है हमारी कचौरियाँ। बाकी भी मैं फ्राई कर लूँ, फिर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहन और भाइयों, बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत हमारी पैकेट कचौरी रेडी है, बिल्कुल न्यू स्टाइल में। मेरे बच्चे तो इसको पैरामिड कह रहे हैं कि मामा ने पैरामिड बना दिया है। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन और भाइयों, आप ज़रूर बनाएँ, खाएँ, और मुझे फीडबैक दें आपको कैसे लगे मेरी ये कोशिश। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।